कितनी बार बोला है एक बार डॉक्टर को चेक करवा लीजिए, पर ये सुनते ही नहीं। भाभी। अरे करण भैया, आप इतनी सुबह, क्या बात है? रात को ज्यादा देर तक पढ़ाई नहीं की है का? बस वो मैं पूरी रात सोया नहीं। क्यों, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो सब ठीक है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए ना, क्या हुआ? भाभी, आपके और भैया के बीच में कुछ परेशानी है क्या? नहीं तो, कोई परेशानी नहीं है। कोई झगड़ा वगैरह हुआ है क्या? नहीं। देखो भाभी, अगर कोई बात हो तो आप हमें बता सकते हो। पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? भाभी, हम आप दोनों को रोज झगड़ते हुए देखते हैं, माँ बाप भी गांव गए हुए हैं, तो हमने सोचा हम आपसे आके पूछ लें। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप हमें बता दो ना। देखिए करण भैया, ऐसे कोई परेशानी नहीं है, आप जाइए पढ़ाई कीजिए। अरे भाभी, अरे भाभी 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 भाभी, देखिए करण, जाइए यहाँ से, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। नहीं, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज जाइए यहाँ से। भाभी, ये क्या है भाभी, क्या छुपा रही हैं आप हमसे? करण आप जाइए यहाँ से, हम आपको कुछ नहीं बता सकते। भाभी, हम आपके सिर्फ देवर नहीं, हम आपके दोस्त भी हैं, और हमें पता है आप क्या करती हैं बाथरूम में जाके। करण, अगर हमने आपको कुछ बता दिया तो आपकी भैया की नजर आपकी निगाहों में गिर जाएगी। अरे बात क्या है भाभी, बताओगी? करण, आपके भैया को। भैया को क्या? करण, आपके भैया को अंदरूनी परेशानी है जिसकी वजह से वो हमें सुख नहीं दे पाते हैं, और हर रात हमें अपना सुख अलग तरीके से मिटाना पड़ता है। भाभी, आप ये पीड़ा क्यों सह रही हो? ये शादी तोड़ दो, अलग हो जाओ। नहीं नहीं करण, मैं ये शादी नहीं तोड़ सकती, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। इस घर में मेरी डोली आई थी, और इस घर से मैं तभी जाऊंगी जब मेरी अर्थी उठेगी। भाभी, हम आपकी समस्या समझ सकते हैं और हम आपके साथ भी हैं। अगर आपको कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हमको बताइए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। भाभी, हम आपके दोस्त हैं। करण, तुम्हारे भैया में और कोई परेशानी नहीं है, और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। और अब जाइए यहां से अभी। नंदिनी। हाँ जी। हमारी रेड वाली शर्ट रख दी हो? हाँ जी रख दी है। और मोजे? मोजे भी रख दिए हैं, लेकिन आप ये शर्ट लेकर क्यों जा रहे हो? आपको पता है ना, आप पे अच्छी नहीं लगती है। हमें पसंद है वो, रख दो तो। भाभी, भाभी इसे भी रख दो, ये भैया की फेवरेट मिठाइयां, सफर लंबा है तो भैया रास्ते में खा लेंगे।
लेकिन देवर जी इसमें जगह कहाँ है? अरे है तो जगह, आप देखो बन जाएगी जगह। हो गया तुम दोनों का, हाँ? अब जल्दी करो, ट्रेन के लिए लेट हो रहा है हमें, चलो। अरे हाँ हाँ, हम तो मशीन है ना, सब कुछ फुर से कर देंगे। और वैसे भी आपके दफ्तर वालों की गलती है, शादी के 6 महीने हुए हैं अभी आपको बाहर भेज रहे हैं। अरे अब काम है तो जाना पड़ेगा ना, चलो जल्दी करो। अरे काहे नाराज होती, बोल दिया ना आ जाएंगे 2-3 दिन में, छोटी छोटी बातों पे मुंह मत फुलाया करो। करण जी भैया, सुन तुम दोनों अपना ख्याल रखना जी, खास कर भाभी का जी। हाँ अब खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जा हाँ, हाँ। रख गाड़ी में, चले। देखो आराम से। रख दिया सामान? हाँ जी भैया। चलो चलता हूँ फिर। अरे क्या कर रहा है, आजा। क्या लग गया? बाय भैया, पहुंच के फोन करना। हाँ हाँ पक्का। चलो भैया चलो। बाय भैया, आराम से। कौन है वहाँ? देवर जी आप है क्या? आज भैया घर पर भी नहीं है और भाभी भी टीवी देख रही है। आज मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। हेलो, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। क्या आज रात आप मेरे साथ कुछ करना चाहेंगे? हाँ हाँ जरूर। नॉटी बॉय। हाँ क्या पहने हैं आप? टी शर्ट धत ऊपर नहीं नीचे, कहो तो उतार दे। उतारेंगे नहीं तो हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? लो उतार दिया। देवर जी? जी भाभी। कितना पढ़ेंगे? भाभी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो। मुझे पता था आप यही कहेंगे, इसलिए देखिए मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ, चलिए पी लीजिए। नहीं भाभी दूध नहीं, नहीं नहीं। अगर आप ये दूध नहीं पियेंगे तो आपको ताकत कैसे आएगी? चलिए जल्दी से ये दूध पी लीजिए। नहीं नहीं भाभी नहीं। पीजिए ना। नहीं। अच्छा लग रहा है? अच्छा का तो पता नहीं, उल्टी जरूर आ जाएगी। अरे देवर जी एक बात बताइए, वैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है क्या? नहीं भाभी अभी तो नहीं है। अच्छा मुझे लगा इतना सुंदर लड़का
इतना दमदार बदन, कोई तो मजा लेता होगा। भाभी क्या बोल रहे हो आप? अच्छा मैं मजाक कर रही हूँ। मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। क्यों? मुझे देखकर आपको कुछ कुछ हो रहा है क्या? अरे क्या छुपा रहे हैं आप? हाथ हटाइए, हमें भी देखने दीजिए। नहीं भाभी कुछ नहीं। अरे हटाइए। नमस्ते भाभी, ये मेरा फ्रेंड है गौरव। नमस्ते। नमस्ते भाभी। आइए ना बैठिए, चाय वाय कुछ पियेंगे? नहीं। चलिए बैठिए, प्लीज बैठिए। भाभी मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी काम है, चलिए। करण क्या हो गया? चलिए ना आइए। भाभी मैंने आपसे वादा किया था ना, मैं आपको दिला कर रहूंगा, इसीलिए मैं गौरव को अपने साथ लाया हूँ। आपका क्या मतलब है? मैं गौरव के साथ? गौरव के साथ नहीं, हम दोनों के साथ, तभी जाके आपके सारे अरमान पूरे होंगे। देवर जी मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती किसी पराए मर्द के साथ खुद को। आपने सोच भी कैसे लिया ये चीज? अरे क्या हुआ, और देखना था लेकिन सीन बीच में ही कट हो गया। कोई बात नहीं, बस सब्सक्राइब करो उल्लू और देखो पूरा एपिसोड बिना कटे, यानी बिल्कुल वैसा जैसा आप चाहते हैं। सो सब्सक्राइब नाउ, जस्ट क्लिक एंड वॉच।